हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन वर्सेस नाइट्रॉक्स सस्पेंशन। दोस्तों दोनों ही सस्पेंशन में क्या चेंजेस हैं, किस तरह से वर्किंग होती है, कौन सा बेटर होता है, एंड अगर आपकी बाइक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया है तो क्या आप नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगा सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग जो है इस वीडियो में आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा ताकि सारी डिटेलिंग आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आ रहा है आफ्टर मीटियोर लॉन्च। जो मीटियोर था वो नेक्स्ट जन मॉडल कहा जा रहा था, मतलब वो एडवांस मॉडल कहा जा रहा था। उसके अंदर भी जो है स्प्रिंग लोडेड जो है सस्पेंशन, हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो दिया गया है उसमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन नहीं दिया हुआ है। नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लासिक मिल जाता है। आपको जो इंटरसेप्टर मॉडल है, कॉन्टिनेंटल जीटी मॉडल है, उसमें आपको जो है रॉयल एनफील्ड जो है जो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो है वो दे रही है। बट बुलेट मॉडल हो, स्टैंडर्ड मॉडल हो, या फिर मीटियो हो, या क्लासिक नेक्शन मॉडल हो, इन सभी में जो आपको है नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों कंपनी ऐसा क्यों कर रही है एंड क्या एक्चुअल में चेंजेस होता है इसमें, सस्पेंशन की क्या परफॉर्मेंस होती है, वो सब के बारे में बात करते हैं। एंड ये सब जानने से पहले आपको बेसिक जो है वो जानना पड़ेगा कि सस्पेंशन का एक्चुअली वर्क क्या होता है। दोस्तों सस्पेंशन का वर्क एक शॉक जो है आपकी बाइक को, जब शॉक ऑब्जर्वर का जो वर्क होता है वो होता है जब आपकी बाइक जो है ऑफ रोड कर रही हो या फिर किसी जर्क में जा रही हो, किसी खड्डे में से गुजरती है, तो दोस्तों जो एक शॉक लगता है बाइक को उसको अब्सॉर्ब करती है, आपकी बॉडी को जर्क लगने नहीं देती है। तो ये सिंपल वर्किंग होती है। बट यहां पर अभी हाइड्रोलिक सस्पेंशन की अगर स्टार्टिंग वर्क करें कि एक्चुअल में उसकी वर्किंग कैसे होता है, तो दोस्तों एक स्प्रिंग लोडेड जो होता है, फर्स्ट आपको स्प्रिंग देखने मिलता है, उसके अंदर जो होता है एक हाइड्रोलिक जो है वो आपको देखने मिलता है। उस हाइड्रोलिक के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल होता है। एंड दोस्तों वो ऑयल जो होता है उसके अंदर आपको 10% जो है एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 90% जो होता है वो ऑयल होता है। एंड जब ये प्रोसेस होता है, जैसे आप खड्डे में से जा रहे होते हैं, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, जो ये प्रोसेस जो बार बार सस्पेंशन का होता है जिसमें स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक दोनों जो है ऊपर नीचे होती है, जो हाइड्रोलिक का जो पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो पिस्टन जो बार बार ओपन होने की वजह से ना जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोलिक ऑयल में वो सेपरेट होने लग जाते हैं। एंड उसके इसको जो सेपरेट जब होता है तो झाग क्रिएट हो जाता है, एक फोम जैसा क्रिएट होता है एयर का, जिसको कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, वो कैविटेशन के वजह से आपकी बाइक का मतलब जो सस्पेंशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो चेंज होता है, वो उतना ज़्यादा सही नहीं मिल पाता है जितना कि आपको नॉर्मल मिलता है। और ये प्रोसेस बार बार होने, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा कि जब आप 10-12 किलोमीटर चला रहे हो तब ये ऐसा होता है, जब ये आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, तो मतलब अगर आप 50-60 किलोमीटर प्लस चलाते हैं, तो ये बार बार प्रोसेस होने के बाद में जो फोम जो है वो क्रिएट होता है, जो कैविटेशन है वो क्रिएट होता है, इसके वजह से परफॉर्मेंस जो है चेंज होता है। इसी के लिए जो है नाइट्रॉक्स जो है जो सस्पेंशन है वो बनाए गए थे। नाइट्रॉक्स सस्पेंशन क्या होता है अब वो जान लेते हैं। दोस्तों नाइट्रॉक्स सस्पेंशन में आपने देखा होगा सस्पेंशन सेम होता है, स्प्रिंग होता है, उसके अंदर हाइड्रोलिक होता है, एंड साइड में एक सिलेंडर जैसा लगा होता है जिसको जिसको कैनिस्टर कहा जाता है। उस कैनिस्टर के अंदर जो होती है नाइट्रोजन गैस फील्ड होती है जो इस कैविटेशन प्रोसेस को नहीं होने देती, वो फोम जो क्रिएट होता है उसको नहीं होने देता है, जो एयर जो मॉलिक्यूलर होते हैं उसको सेपरेट ऑयल से नहीं होने देता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है अगर आप 50, 60, 100, 200 किलोमीटर्स भी राइड कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस सेम मिलती है। एंड वो शॉक ऑब्जर्वर जो है उस प्रॉपरली जो है जर्क जो है आपकी बॉडी को नहीं लगने देता है, तो स्टेबिलिटी मिलती है, परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है, तो कंफर्ट राइड मिलती है। तो ये सब की वजह से जो है वो नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। एंड अब जानते हैं दोस्तों, आपको दोनों का डिफरेंस तो पता चल ही गया, बट अब कंपनी ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे सिंपल फंडा है कि ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल सस्पेंशन से नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो है वो कॉस्टली होता है, प्राइस में ज़्यादा होता है, तो कई जगह जो है कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग का वर्क जो है वो करती हैं। एंड ऐसी जगह ही होती हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाता है, ज़्यादा पता नहीं हो पाता है, तो ये जगह होते हैं जहाँ पर कंपनियाँ जो है कॉस्ट कटिंग करती हैं। बट अगर आप चाहें तो परफॉर्मेंस जो है सस्पेंशन का चेंज कर सकते हैं, आप हाइड्रोलिक सस्पेंशन से जो है आप नाइट्रो सस्पेंशन जो है चेंज कर सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल है, एंड साइज जो होते हैं आपको उसी साइज का जो है सेम साइज़ का
आप नाइट्रॉक्स सस्पेंशन अपनी जगह अपनी बाइक में लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, कई लोग जो स्टैंडर्ड और बुलेट राइड करते हैं उनको भी मालूम होगा कि सस्पेंशन जब आप लॉन्ग राइड करते हैं ना तो डिफरेंस आपको देखने में मिलता है। शॉर्ट राइड में नहीं, सिटी राइड अगर आप कर रहे हैं तो आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप चाहे आपके पास कोई भी सस्पेंशन हो उतना डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। बट आप लॉन्ग शॉर्ट राइड जब करते हैं, जब आप अबव 50 किलोमीटर जब राइड करते हैं, तब एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो होता है वो मैटर्स करता है, सस्पेंशन का भी, आपकी बाइक का भी। तो इस जगह पे जो है सस्पेंशन जो है वहां पर आपको थोड़ा फेलियर जो है देखने मिलता है जब आपके पास हाइड्रोलिक सस्पेंशन हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक सिंपल जो मैंने वीडियो बताई है जिसमें मैंने इजीली आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जो है हाइड्रोलिक सस्पेंशन और जो नाइट्रो सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, और अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मिल चुके होंगे। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है ना, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, एंड लाइक जरूर दे दीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आपको इसके बारे में मालूम था या नहीं मालूम था, एंड आपको कौन सा सस्पेंशन आपके बाइक में लगा हुआ है मुझे जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉग, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।